बीजेपी नेताओं के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, लिखकर ले लो, जातिगत जनगणना होकर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।